10 साल बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कमबैक कर रही। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर कौन जीतेगा और किसकी होगी हार? लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को आएंगे। काउंटिंग में अभी एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन चुनाव में हार जीत को लेकर नेता और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं। इस बीच फलौदी का सत्ता बाजार प्रदेश के सभी 25 सीटों पर हार जीत का आकलन कर चुका है। 25 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर जीत की दमदार स्थिति में कांग्रेस। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर कौन जीतेगा और किसकी होगी हार, इसे लेकर सट्टा बाजार में दाम लगा है। फलौदी सट्टा बाजार ने 25 की 25 सीटों पर भाव खोल दिए हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां राजस्थान की 25 की 25 सीटें निकाल रही थी, लेकिन सट्टा बाजार के आंकलन के अनुसार इस बार कांग्रेस पार्टी कमबैक कर सकती है, और वो भी 1 या 2 सीटों पर नहीं, करीब आधा दर्जन सीट कांग्रेस जीत सकती है। वहीं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय के बीच नजदीकी टक्कर बताई जा रही है और इस सीट पर भाव लगातार बदल जा रहे हैं। उधर भीलवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समर्थित बीएपी कैंडिडेट में सीधी टक्कर है। वहीं फलौदी सट्टा बाजार में राजस्थान के 25 सीटों पर प्रत्याशियों के वर्तमान भाव की बात करें तो 25 सीटों में से करीब आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत की स्थिति में है, तो वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस का टक्कर का मुकाबला है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि 10 साल के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कमबैक कर रही है। स्पेशल डेस्क द पीके टाइम्स न्यूज़।